महिलाएं आगे नहीं रहेंगी तो कोई नेता हो या कोई भी हो, कोई आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो या पूरी दुनिया ही हो। जब तक महिलाएं आगे नहीं होगी कोई आगे नहीं हो सकता। सब कुछ प्रशासन पर ही छोड़ देंगे तो कैसे होगा? मैम, कट्टरता अंदर से जगती है, ना कि कोई सिखाता है, वो अंदर से ही जगती है। स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आज यहाँ संसद मार्ग पर तमाम महिलाएं जो आप देख रहे हैं, यह है भारतीय शोषित सेना से। और यहाँ पर तमाम जो वहाँ पर भी देख सकते हैं जो लोग जो एकत्रित हुए हैं, तो आज रामविलास पासवान जी को जो है भारत रत्न देना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला सिंह है। कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ नजफगढ़ मित्राऊ गाँव से। आगे रहने वाली मैं अयोध्या से हूँ। रामविलास पासवान बहुत अच्छे नेता थे, मतलब उनके सम्मान में इतने सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस हिस्से में सारे औरतें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हम उनका नाम आगे तक, मतलब उनके सपोर्ट से महिलाएं बढ़ती जाए, बस यही कहना है। और भी तो नेता है, इतने कद्दावर नेता रहे हैं जिन्होंने सामाजिक कार्य किए, शोषितों की आवाज़ उठाई, पीड़ितों की आवाज़ उठाई, सबसे ज्यादा SC ST OBC की आवाज़ उठाई, लेकिन रामविलास पासवान ही क्यों आप लोग जो है उनको भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं? रामविलास पासवान नेता तो बहुत सारे हैं, बट उनकी क्वालिटी ही कुछ अलग है। जैसे लोग बोलते हैं कि सोना तो खरा, सोना ही कहलाता है, पीतल तो कितना भी पीला रहे पीतल ही होता है, और सोना उसको आग में भी तपाओ तो सोना की तरह निकल। तो ऐसे हमारे रामविलास पासवान जी हजारों नेता में से निकल के एक नेता अव्वल आए हैं जो सबको लेके एक साथ चले। आपको लगता है कि आपकी ये मांग, ये जो सत्ता में बैठी सरकार है, मानेगी, भारत रत्न देगी उन्हें? बिल्कुल देगी, आज नहीं तो कल। हम अपना कदम से कदम बढ़ा के जाएंगे और उनको एक दिन ये सम्मान दिलवा के रहेंगे। आप क्या करती हैं? मैं पहली बात तो मैं एक गायिका हूँ, छोटा सा गायिका। हाँ, गायिका हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ, घर के साथ में ऐसे सोशल वर्क में भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, चांस मिले तो। महिलाओं को आप जो है एक मतलब प्रेरणा है महिलाओं। बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या नाम है? इंद्रजीत कौर। कहाँ से आई हैं? ये अपने नजफगढ़ से आई। नजफगढ़, अधिकतर यहाँ पे नजफगढ़ से आए हैं आप लोग। हाँ, तो आपकी उम्र क्या होगी लगभग? 67। और ये जज्बा आज अभी यहाँ पर आप आई हैं तो मतलब क्या सोच के आई हैं? हम ये है कि महिलाओं के लिए तो आए हैं कि महिलाएं अपना अच्छा काम होए और इनका सुधार होए, और मतलब जो भी काम है हम पासवान के चक्कर में आए हैं, मतलब ये हमारा नेता जी हैं, ये बहुत अच्छे हैं और इनके जो भी है इनके थ्रू जो काम हो जाए महिलाओं का। महिलाओं के लिए तो बहुत लोग कर रहे हैं, मोदी जी ही महिलाओं की बात करते हैं, मोदी जी ही महिलाओं को इतना आगे। मैडम, ये महिलाएं हमारी ऐसी है जो दुखी है संसार में, उनका सारा होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो होना कोई चाहिए। भी आगे नहीं है, सबसे आगे हमारी महिलाएं हैं, पूरे देश की महिलाएं ही आगे हैं और महिलाएं ही सब कुछ कर सकती हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर महिलाएं आगे नहीं रहेंगी तो कोई नेता हो या कोई भी हो, कोई आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो या पूरी दुनिया ही हो। जब तक महिलाएं आगे नहीं होगी कोई आगे नहीं हो सकता। जिंदाबाद। और मैं आज आने का मकसद आपका, देखिए आने का मकसद है कि मैं शिखा भारती हूँ, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पासवान जी की पार्टी है मैं उसमें प्रधान महासचिव हूँ दिल्ली की, और मैं ये सारी मेरी महिलाएं टीम है। और हम इसके साथ साथ हम ह्यूमन राइट्स का भी कार्य करते हैं, हमारे एक टीम है ह्यूमन राइट्स का भी, हम मतलब जो भी केसेस होते हैं वो सॉल्व करते हैं। और इनके साथ जुड़े रहने का ये है कि ये हमें हर तरह से जो पार्टी है, हमें हर बार जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मुझे हमेशा वो सपोर्ट मिला है। और आप जैसे ही बोल रही थी कि बाकी नेता भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत हुई तो मुझे सपोर्ट यहाँ से मिला, तो ऑब्वियस है कि हम इनके साथ हैं। और अगर इनको भारत रत्न देना है तो हम ये पूरे सरकार से हम ये मांग रहे हैं। किस तरीके का सपोर्ट की, मतलब जो आप अपने आप को अभी जहाँ पे पद पे हैं तो वो पद मिला, कहीं और पार्टी में नहीं मिलता क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल मिलता, और भी जब अगर मैं ट्राई करूँ तो मिलेगा, लेकिन मुझे उतना जाना नहीं है। मेरी अपनी ह्यूमन राइट्स की टीम है, हम लोग अपने में बहुत सक्षम है। हाँ, इसमें है
लेकिन इन्होंने भी हमें बहुत तरह से साथ दिया। जब भी मुझे ऐसा लगा कि इनकी कोई ट्रेनिंग करानी है या कुछ भी करना है, तो जब मैंने उन्हें कुछ कहा तो उन्होंने वो सपोर्ट किया, उन्होंने ना नहीं बोला या मुझे उन्होंने दौड़ाया भगाया नहीं है। तो बहुत तरह से ये हम लोग को लगता है कि हाँ, कई जगह पे देखिए सरकार है, सरकारी मामला है, लेट और ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन तब भी एक भरोसा दिलाना या जो भी अच्छे से बातचीत करना वो भी बहुत होता है महिलाओं के लिए, है ना, प्रांगण से महिलाओं के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरी पार्टी हमारे मोदी जी के पक्ष में है, ऐसा हमारा पूरा का पूरा जो RLJP है वो NDA के अलायंस में है। हम उनके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, हम उनके बिल्कुल साथ है। और बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी तो महान है, वो तो है ही, बिल्कुल है ना, बिल्कुल मोदी जी को मिलना चाहिए कि रामविलास पासवान जी को, उन्हें उन्हें सम्मान, उन्हें सम्मान की जरूरत नहीं है, मिलना चाहिए उन्हें सम्मान की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज भारत रत्न है हमारे देश के, उनको तो वैसे भी किसी तो देखिए अमृता फर्नांडिस है उन्होंने बोला कि न्यू इंडिया के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता गांधी जी को, उनको गांधी जी के बाद अगर कोई आता है, अगर हमारे बिल्कुल न्यू इंडिया के अगर देश को कुछ सुधार करने के लिए इतिहास लिखा जा रहा है, बिल्कुल पिछले 8 सालों में नया इतिहास आ गया। देखा होगा कि पिछले 8 सालों में जितना विदेशों में हमारे हमारे देश का नाम आया वो किसकी वजह से है, मोदी जी की वजह से है। तो उनकी वजह से ही जितना भी हम आगे बढ़ चुके हैं, विदेशों में आज हमारी पहचान होती है, पहले हमें कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज विदेशों में हम लोग खड़े होने लायक है, वो किसकी वजह से, मोदी जी की वजह से। तो भाई उनके विपक्ष में जाना तो हो ही नहीं सकता। मोदी जी का इतना विरोध क्यों होता है? देखिए हर रास्ते में ना कुछ पत्थर होते हैं, और जहाँ पत्थर होते हैं वहीं सफलता मिलती है। ये कितना सही, कितना सहज है कि एक हीरोइन एक्ट्रेस अगर भगवा पहन लेती है तो भावनाएं आहत हो जाती है। देखिए ये सबकी मानसिकता पर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी मानसिकता, जिसकी मानसिकता जितनी ज्यादा नैरो है या जितना ज्यादा ब्रॉड है, डिपेंड उस पर करता है। अगर वो बुरखा पहनना, मोदी जी ने क्या अच्छे काम किए कुछ बता सकती है? इतनी सारी स्कीम्स निकाले हैं, सब्सिडी योजना है, सब्सिडी लोन की योजना है, रोजगार संबंधी आत्मनिर्भर बिल्कुल मिल रही है कई जगह पर। यहाँ पे मेरे को भी काफी टाइम बीत गया है कि काफी महिलाएं यहाँ प्रोटेस्ट करती हैं, एक स्कीम नहीं मिली है उन्हें। नहीं नहीं, जागरूकता, हर स्कीम के लिए एक जागरूकता होना जरूरी है, अगर सही डायरेक्शन पकड़े, बिल्कुल नहीं नहीं आज जागरूकता उस नहीं 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 ऐसे नहीं है, अगर आप सही डायरेक्शन से जाएंगे तो आपको मिलेगा। आप लोग ये चाहते हैं कि वो फॉर्म भरे और उसके बाद मोदी जी वहाँ से तुरंत बैंक बैलेंस में आपके बैंक अकाउंट में डाल दे, ऐसा नहीं होता किसी भी तरह, ऐसा नहीं होता। कैसे होता है? आप सालों साल चप्पलें घिसते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, MSMEs है, KVICs है, जो उन्होंने बनाए हैं, उसके माध्यम से वो लोग ट्रेनिंग कराते हैं महिलाओं को, जो कि बहुत ही नॉमिनल जो सरकारी रेट होता है उस पर आप उस पर जाकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आप अपना प्रोजेक्ट लगाते हैं उससे रिलेटेड आपको लोन मिलता है, सब्सिडी होता है। मोदी जी ने काफी अच्छे काम देखे। देखिए होता क्या है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या सरकार जो बन गई है ना, तो हर जगह बहुत सारे भ्रष्ट भी हैं, तो बहुत सारी चीजें रुक जाती है, आगे तक नहीं पहुंचती। लेकिन अगर महिलाएं थोड़ा ठान ले या जो थोड़ा सा जैसे अपने आपको सेफ नहीं पा रही है, नहीं देखिए सेफ तो वो क्या है, क्योंकि हमेशा से आवाज उठती है, तो मोदी जी इसके लिए क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए? अब एक चीज, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए ना हम मोदी जी या फिर जो भी सरकार है, व्हाटएवर कोई सरकार है, सेंट्रल सरकार क्या कर रही है, मोदी जी का नाम नहीं लेती हूँ। हाँ, शायद जो भी है प्रॉब्लम हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए नेता है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा जो है वो अलग है, ठीक है ना। तो बात यह है कि जब अगर सुरक्षा की बात होती है, तो सुरक्षा कई जगह पे हम पे भी निर्भर करता है और बाकियों में भी करता है। देखिए हमारे ऊपर भी है कि हम जब हमारा घर में हम अपने बच्चों को अच्छी सीख देंगे ना, तो हमारे बच्चे भी एक तरह की जब जनता में आ जाते हैं, हमारे भी बच्चे होंगे जो आगे जाके लड़ रहे। रात में कोई महिला अगर स्कूटी लेके निकल रही है, 10 बज गया है और फिर कोई पीछे से उसके पीछे पड़ गया है, फिर उसके बाद उसके साथ गलत हो जा रहा है, अगले दिन उसकी खबर आ जा रही है, तो यहाँ पे उसको क्या समझने की जरूरत है, कैसे सेफ करेगी वो? नहीं, यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा जो पुलिस प्रशासन है या जो भी आगे है, उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। रात को होना चाहिए कि सर्च होना चाहिए या फिर रात को खड़ी हुई देखती रहती है। तो इस चीज में तो मैं कहूंगी कि सेंट्रल में जैसे दिल्ली की ही बात है, जैसे जो लोन वाले एरिया है, लोन जो नोएडा जैसे हो गया, ये बहुत सारे, तो वहाँ पे पुलिस फोर्स को थोड़ा ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, ताकि तो सबसे रेयर में आता है पुलिस होती नहीं है, तो बहुत सारे, तो उसके मामले में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं।
बंपर एरिया है, बिल्कुल शेर की तरह, जैसा बनो की तरह है, सेफ है वहाँ, अच्छे बनो का सेफ है, जंगल की शेर नहीं है ये, आप अच्छे भी बिहेवियर फील करती है वहाँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल 100% जितने टीम है, आप तो घर में रहती है मेरे को लगता है, नहीं मैं घर में नहीं रहती, मैं सेल्फ डिफेंस की वर्किंग है, बिल्कुल मैम मैं सिविल डिफेंस में काम, शेड्यूल क्या रहता है सुबह से जाने आने का, और मैं 6 बजे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, फिर 12 बजे भी रात में हमारे कैब डिपो की कितनी भी बस जाती है, किसी में चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे बिहेवियर करेंगे तो अच्छे करेंगे, बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा करेंगे, कभी कभी कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है, और जो महिला है वो तो सेफ फील ही नहीं कर रही, मैं नजफगढ़ हूँ मित्राओं, 7 बजे किसी एक आपको दामिनी का पता है ना, 7 बजे मैं 12 बजे 7 बजे हो गया था उसके साथ क्या हुआ, कभी कहीं कभी कभी नहीं बहुत होता है होती रहेगी, आप चलते हो तो एक्सीडेंट होना है होगा ही, ये तो नहीं है कि हम चलते हैं एक्सीडेंट, किसकी गलती है, किसको, प्रशासन की नहीं होनी चाहिए इसमें, प्रशासन की नहीं होनी चाहिए, जो आपकी जो है बंदे हैं उनकी कहते सोच पे डिपेंड करती है, आप अभी हम यहाँ पे हैं कौन क्या बोल देंगे, हम तो किसी के बारे में कुछ जानते नहीं है, तो नहीं लगता कि टाइट करना चाहिए प्रशासन को सब चीजें, पुलिस को थोड़ा सा, प्रशासन बहुत ही अच्छा है, प्रशासन है बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, अच्छा नहीं अच्छा। प्रशासन टाइट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बट उसके लिए आपको भी सपोर्ट करना होगा ना, सब कुछ प्रशासन पे ही छोड़ देंगे तो कैसे होगा, प्रशासन के साथ साथ आपको भी साथ में साथ चलना होगा, कदम में कदम मिलाकर चलना होता है मैम, प्रशासन तो महिला अगर यूटीजनिंग की भी कंप्लेंट लिखवाने जाए तो वहाँ पे तुरंत ही 10 घंटा लगा देती है, अभी बैठिए वेट करिए, नहीं अरे भाई आपको ठीक से चलना चाहिए था, यूटीजिंग हो गई आप आ गए, ऐसे नहीं है, हमने हमारे घर में एक पेशेंट है बीमार हुआ है, मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया 5 मिनट के अंदर आ गया, एक लड़का एक ने शायद प्रशासन आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर अच्छा काम कर रहा है, मतलब नजफगढ़ के लिए मुझे लग रहा है, बाकी दिल्ली का क्या होगा मैम, दिल्ली का जो मुझे पता नहीं, मैं अपनी नजफगढ़ के बारे में बोलता हूँ, जो गलत जो भावनाओं फैला रहे हैं उनके लिए मैंने बता सकती हूँ, कोई भी फैलाते हैं, कहते हैं नजफगढ़ सेफ एरिया नहीं है, नजफगढ़ ऐसे है, नजफगढ़ ऐसे, नहीं नजफगढ़ सेफ एरिया है, बहुत सेफ, लेकिन आप कह रही है कि हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल वहीं से सटा वो द्वारका है, वहाँ पर रोज ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, मैम मैंने क्या बोला, जहाँ आप रोड पर चलते हो कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक्सीडेंट होना है, होगा ही, तो ये आप कुछ न कुछ आप सब तरह से होता है, प्रशासन की थोड़ा होती मतलब गलती, एक्सीडेंट होगा ये आपने उस पे छोड़ दिया है, इस पे छोड़ा नहीं है मैंने, अगर आप चल रहे हो आप देखेंगे लड़की अकेले है, आप बोलोगे आप डरोगे, अच्छा, आप ये नहीं मानती कि गलती उन इंसानों की भी है जो मतलब इस तरीके के कृत्य को अंजाम देते हैं, बिल्कुल गलती उनको भी होती है, गलती आपकी, गलती कैसे हो रही है, पुरुषों में इस तरीके की गलती क्यों हो रही है मैम, हर जगह पुरुष महिला को महिला नहीं समझाते, नहीं मैम इंसान जो होते हैं वो हैवे नहीं होते जाते, वो ये नहीं देखते हैं, हर जगह पुरुष ही बदनाम नहीं होता है, एक मर्द को ठीक एक ना एक मिशन गन पर रख दिया है, एक मर्द ही बदनाम है, और मर्द बदनाम भी नहीं होता है, औरत सब ज्यादा औरत बदनाम करती है, लड़कों को करती है कॉल करती है, बोले कि मेरे को तो छेड़छाड़ कर रहा है, ये ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, अच्छा। हर जगह लड़कों बदनाम नहीं होती, इस तरीके से बोल रही है तो सारी महिलाओं पे आपने सवाल खड़ा कर दिया, महिलाओं पर सवाल नहीं खड़ा किया, आपने क्या बोला कि मर्द पे, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जो करते हैं उनके एक्सीडेंट होता है उनके लिए बोल रही हूँ, अच्छा बिल्कुल, तो ये मतलब गलत इस्तेमाल भी करती है महिलाएं, आप ये बिल्कुल मैम गलत करती है, बहुत ज्यादा होता है, एक की वजह से बाकी 99 को अगर हम गलत बता दें तो गलत बात है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज आप ये बोल रही हैं इससे मैसेज और लोगों को भी जाएगा, बिल्कुल मैम, अगर कोई एक कर रहा है और महिलाओं के लिए भी प्रति आप ये घृणा वाली जो बात बता रही, महिलाओं वाली बात नहीं बताए मैम, ये जाएगा ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंचेगा, कोई बात नहीं मैम जाएगा, आप जो बोल रहे हैं ना कि जो मर्द करते हैं मर्द नहीं करते, औरत की भी गलती होती है मर्द की भी गलती होती है, दोनों तरफ गलती होती है, ये नहीं कि मर्द को ही टारगेट लगाया जाए, वो नहीं होता है, लेकिन आए दिन तो महिलाओं के ऊपर सोशल होता है, तो मैम महिलाएं पॉइंट बनती है, महिलाओं पर ही बोला जाता है, जेंट्स को छोड़, जेंट्स बेचारा कहते हैं बकरी का, अच्छा, बलि का बकरा काट दो, अच्छा ये आप मर्दों के लिए ठीक है बोल रही हैं, अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आपके 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 शब्दों के द्वारा बिल्कुल सबका विकास हो रहा है, लेकिन एक बात सुनिए मेरी, मैं महिला आयोग के अगर आंकड़े बताऊं तो सबसे ज्यादा जो 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 उनके शोषण हो रहा है वो महिलाओं के साथ हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है, हाँ मैम आपको ये बताइए, जो कपड़े पर उंगली उठा देते हैं कि ये कपड़ा पहनकर गई थी इसलिए उसके साथ रेप हो गया, तो वो छोटी चार महीने की बच्ची ने क्या कपड़ा पहना और उसमें क्या देख लिया जो उसका रेप कर दिया गया, मुझे नहीं मालूम, अब आप बच रही हैं, अब 4 महीने के, तो मैंने क्या बोला
कि मर्द कहीं नहीं, मर्द भी गलत होते हैं। अब 4 महीने के बच्चे के अंदर क्या देखा, इसके माइंड में क्या चल रहा है, वो या साइको होगा या साइको होगा या दिमाग का उसका पागलपंथ होगा। ये वाली सोच कहाँ से पैदा हुई ये मैं पूछना चाह रही हूँ। या उनके फैमिली से होगा या उनके बच्चे से होगा या कहीं से माहौल होगा। आपको नहीं लगता है कि इस तरीके की जो अश्लील चीजें परोसी जा रही है समाज में, सरकार को उस पे अंकुश लगाना चाहिए? इस पर अंकुश बहुत ज्यादा लगाना चाहिए, उस पर सरकार को बोलना चाहिए, करना चाहिए और कड़ी कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, इसको अंजाम तो मर्द ही देते हैं ना। बिल्कुल मैम, मर्द देते हैं इसके लिए। मर्द देते हैं। सुना है कि महिला ने महिला के साथ रेप कर दिया? मैम मर्द ही करते हैं ना शोषण। आजकल वो 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा करते हैं। मेरे ये गुजारिश, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लेडीज है उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। जो आजकल छोटी छोटी सी बच्चियों के साथ जो रेप कांड होता है वो नहीं होना चाहिए। उनको गवर्नमेंट सजा सुना देती, नहीं सजा नहीं होनी चाहिए, उनको बिल्कुल ही सजा दे देनी चाहिए, बिल्कुल ही उनको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। आपको नहीं लगता जो संस्कारी बोलकर जो बलात्कार करते हैं उन्हें संस्कारी बोला जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही है? अब अभी जो महिला पुरुष जो महिला थी अभी पुरुषों के लिए बोल रही है, तो वो जो बलात्कारी है वो संस्कारी कैसे हो गए, उनको मालाएं पहनाई जा रही है? मुझे नहीं पता कि मैम ने क्या भाषण दिया है, लेकिन उनके जो उन्होंने भाषण दिया है मैं उनके भाषण से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप ही लोगों में देखिए एकता नहीं है यहाँ पर। नहीं, वो मेरे ग्रुप में नहीं है। मैं मिस्टर मिसेस कमलजीत कौर की तरफ से आई हूँ, जिनको मतलब आपने तो ये वाक्य सुना कि अभी जब मैं उनसे बात में हट गई हूँ, तभी मैं हट गई हूँ। तो ये कितना सही है कि एक बिल्किस बानो, एक नाम मुस्लिम होने से न्याय अलग हो जाता है। हाँ जी, कि उसके बलात्कारियों को संस्कारी बताकर मालाएं पहनाई जाती है, महिलाएं मिठाई खिला रही हैं, मालाएं पहना रही हैं। ये पहली बार देश में हो रहा है, 8 सालों में ऐसा हो रहा है कि किसी बलात्कारी को संस्कारी बताया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, ऐसा होता भी है। जो रेप कांड करके एक तरफ बैठ जाते हैं और उनको नेतागिरियों में माला पहनाई जाती है, क्योंकि पहचाने नहीं जा सकते, वो पहचानने की नजरिया गलत हो जाता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आजकल जो बच्चियां 5 साल की, 4 साल की, 6 महीने की, अभी हमारे सागरपुर के अंदर एक रैप कांड हुआ था, बच्ची है, 9 साल की बच्ची थी, शमशान भूमि के सामने बैठी पैर मिले हैं। हाँ जी, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। वो क्या हुआ कि अपने पेरेंट्स के साथ मैं बैठी हुई थी, एक पीर बाबा का थान है वहाँ बैठी हुई थी, तो उसकी मम्मी बोली कि मैं मार्केट जाती हूँ, आप बेटी का ध्यान रखिएगा। उसके फादर बोले कि बेटा आप बैठो, मैं पानी भर के ले दूँ। बेटी ने सोचा कि नहीं पापा आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, क्योंकि शमशान भूमि थोड़ी सी नियर बाई थी, बच्ची वहाँ पे पानी लेने गई है। बताया जा रहा उसमें वही पंडित था। हाँ, वो बताती हूँ, वो पंडित था जो आजकल हम शमशान भूमि में जाते हैं लेकर उनका स्वागत करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, वही पंडितों ने कांड करा, जिनके आगे भी बहन बेटियां होती है, सब कुछ होती है। वो बच्ची पानी पीने गई है, उसको पानी नहीं, मेरी जो मैं कहती हूँ, मेरी जो सोच है, शायद उस बच्ची को ना तो पानी भरने दिया है ना ही पानी पीने दिया है। उसको अंदर ले जाया गया है, राइट हाथ में उनके रूम था जहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, जब हम अंतिम संस्कार का जो सामान रखा जाता है वहाँ पे वो बंदे बैठे हुए थे, वहाँ पे उनका दारू पी जा रही थी। उस बच्ची को अंदर ले गया है, वो एक नहीं थी, वो 4 बंदे थे जिन्होंने उस बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची, हाँ 9 साल की बच्ची के साथ में उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया, चारों ने किया। एक तो गलत किया उसके साथ, फिर उसके बाद जला दिया, उसके साथ रेप कांड करा, उस बच्ची को जला भी दिया गला घोट कर। फिर उसकी माता को बुलाया जाता है, जो वहाँ का पुजारी होता है वो ये कहता है उसको कि आपकी जो आप थाने में जाओगे, गवर्नमेंट के पास जाओगे तो आपकी बदनामी होगी। लेकिन वो माँ थी, उससे नहीं रहा गया, जो वो चलती रहा, पर एक लेडीज को बताया उसने कि नहीं मैं बताना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, तो उसने बताया अपनी बेटी के बारे में कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी के साथ हो गया और वो मुझे कंप्लेंट करने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन वो लेडीज हिम्मत वाली थी, मुझ जैसी, जो वो उस लेडीज को छोड़ के, जिनकी वो बेटी थी उसको छोड़कर वो खुद गई है वहाँ पर शमशान भूमि में, जहाँ पे उनकी बेटी को जलाया जा रहा था, वो भी उल्टी तरीके से, फेस नीचे था। देख रही है ना कि किस तरीके से गलत करने वाले हैं, अभी गलत बताया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उन ऐसे बंदों को हेवन ने सजा नहीं, उनको फांसी दी जाए, मेरा ये कहना है। जो भी हमारी गवर्नमेंट में नेता में है, मोदी जी है, मैं उनके बयान से बिल्कुल भी अहमियत नहीं, सहमत नहीं। ये कितना सहज है और ये कितना सुनने के लिए
सुनने में अजीब लगता है कि किसी बलात्कारी को माला कैसे बोल दिया। आजकल आदमियों में हैवानियत है, बाकी लेडीजों में हैवानियत है। हाथरस कांड में भी यही हुआ था, तेलंगाना कांड में भी यही हुआ था, बिल्कुल यही हुआ था। तो मैं यही कहूंगी, जो भी हमारे नेता है, वो मोदी जी है, वो केजरीवाल जी है, जो भी है, बहन बेटियों को, लेडीजों को सम्मान दिया जाए। आप ये मानती हैं कि मोदी सरकार को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। मोदी जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले जो कांग्रेस पार्टी थी, जहाँ देखो यही बम ब्लास्ट होया करते थे, अब वो कांड नहीं होते हैं। बम ब्लास्ट की छोड़िए, लेकिन अब ऐसे कांड हो रहे हैं कि मानव ही बम बन गया है। हाँ जी, बिल्कुल बन चुके हैं। ये कट्टरता कहाँ से आ रही है? मैम ये आपस में ही आ रही है। 18-18 साल के बच्चों के जो है कट्टर इतने बोलते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, फरसा लेके काट देंगे, तलवारें लगाएंगे, तलवारें लेके लहराएंगे, तो ये कहाँ से आ रहा है उनके अंदर? ये कहाँ से आ रही कट्टरता? मैम कट्टरता अंदर से जगती है, ना कि कोई सिखाता है, वो अंदर से ही जगती है। पता नहीं वो किस नजरिए से छोटी छोटी बच्चियों को देखते हैं। मैंने हिंदू सेना वालों का भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कवर किया था, तो वो खुद बोल रहे थे कि गोली मारो डैश डैश लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी गद्दारों को गोली मारो डैश डैश। बिल्कुल, फरसा तलवार लेके जुबैर जैसे को गला काटने की बात की जा रही है। अभी एक संत है, उन्होंने परमहंस ने बोला है कि शाहरुख खान का जो है चमड़ी उधेड़ के मैं जिंदा जला दूंगा, ये कितना सहज है? मैम इसके बारे में तो मैंने सुना नहीं है, बट लेकिन मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती। ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये हम पब्लिक ही बनाती है, मोदी सरकार की बनाती है। नहीं, आपने कहा कि मोदी सरकार की वजह से ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो इंसानी बम बन के घूम रहे हैं उनका कैसे होगा? जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनके माँ बाप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे, वो अवॉइड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल, उनके लिए सुकन्या का फॉर्म निकाला गया है, मैं उनसे बहुत सहमत हूँ। जिनको गरीबों लेडीजों को बहुत सहायता हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया जाता है, क्या ये नारा वाकई में काम कर रहा है? हर घर में बेटी को अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है। बिल्कुल बचानी पड़ रही है, क्योंकि ऐसे हैवानियत हमारे यहाँ रोडों पे घूम रहे हैं जिनको पहचाना नहीं जा सकता, घर घर में है। सरकार को नहीं करना चाहिए? आप बोल रहे सरकार ने काफी अच्छे काम किए, क्या सरकार नहीं काम करना चाहिए? सरकार देखो मोदी जी है, उन्होंने काफी अच्छे यही करा है कि सुरक्षित भी है, लेकिन वो जाजा के हर इंसानी में तो उनकी काबिलियत नहीं देख सकते हैं। तो आप ये देखिए, तमाम महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और तमाम महिलाएं यहाँ पर आई थी बाबा साहब के जो अनुयायी है रामविलास पासवान, उन्होंने तमाम महिला वर्ग के लिए और तमाम लोगों के लिए जो हमेशा से शोषित पीड़ित रहे उनके लिए हमेशा से आवाज़ें उठाई हैं। लेकिन यहाँ महिलाओं से जब मैंने सुरक्षा की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, तो कुछ महिलाओं के आपने जवाब सवाल सुने कि किस तरीके से उनके अंदर भी जहर भरा गया है। तो आप ये देखिए कि इंसान को इंसान नहीं समझने वाले लोग, महिला को महिला नहीं समझने वाले, और ये महिलाएं जो तमाम थी उनको जवाब देते नहीं बना जब मैंने कुछ सवाल किए, ये कितना सहज है कि जो बलात्कार कर रहा है उसको संस्कारी बताया जाए? क्या इससे पहले भी हमारे देश में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया? क्या उन्हें इस तरीके से सजा नहीं मिलनी चाहिए, या फिर उनको जो संस्कारी बताया जा रहा है क्या वाकई में वो संस्कारी हैं? ये सोचने वाला विषय है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, संसद मार्ग, दिल्ली।